हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्मार्ट स्टडी ग्रुप। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहे हैं और इसके बाद गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड जैसे स्टेटों में भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इलेक्शन कमीशन को लेकर क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे इंडियन पॉलिटी में से। तो आइए अब इसको शुरुआत करते हैं, इंडियन इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को जानेंगे, पढ़ेंगे सिर्फ वही जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमें जानना होता है इलेक्शन कमीशन, जिसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950। जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी, इसी को एज अ नेशनल वोटर डे भी मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल वोटर डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। इलेक्शन कमीशन की जो बात की गई है वो आर्टिकल 324 में की गई है। इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, यानी ऐसी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो। एक सेकंड, मैं लिख देता हूँ साथ के साथ। तो इलेक्शन कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर मेंशन है? आर्टिकल 324। तो आर्टिकल 324 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसके बाद आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इलेक्शन कमीशन में क्या क्या होता है। इलेक्शन कमीशन में सबसे हेड पे होता है इलेक्शन कमिश्नर, जो कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। सबसे पहले एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था, फिर उसके बाद दो इलेक्शन कमिश्नर को और ऐड किया गया। वो क्यों किया गया उसको भी जानते हैं, क्योंकि 61 अमेंडमेंट एक्ट, यानी एक अमेंडमेंट एक्ट आया था कब, 1988 में। ये इसलिए आया था कि जो वोटिंग एज थी, वोटिंग एज को इन्होंने क्या करा, रिड्यूस कर दिया। पहले वोटिंग एज थी 21, इन्होंने रिड्यूस करके कर दिया 18, जिसकी वजह से 3 साल का गैप आया और इनके पास काम भी बढ़ गया। तो केवल एक इलेक्शन कमिश्नर इस काम को नहीं कर सकता था, तो उन्होंने सोचा दो इलेक्शन कमिश्नर और ऐड किए जाएं। और फिर ये जो एक इलेक्शन कमिश्नर था पहला वाला, इसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मान लिया गया। तो ये सबसे ऊपर हेड पे रहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमीशन में ये बॉडी है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो ये कब ऐड किए गए थे? अक्टूबर 16, 1989, ये भी आपको डेट याद रखनी है। इसके बाद आगे चलते हैं, जो इलेक्शन कमीशन है ये किन किन चीज़ों के इलेक्शन कंडक्ट कराती है, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये इलेक्शन कंडक्ट कराती है प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, राज्यसभा एंड लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पर आपके सीएम के इलेक्शन होते हैं, ये वाला जो अभी यूपी में चल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। इसके बाद जानते हैं, जैसे आपने सुना होगा पंचायती राज के भी इलेक्शन होते हैं, ठीक है, पंचायत के। तो पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी, इनके इलेक्शन कौन कराता है ये बताओ। इनके जो इलेक्शन कराता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं यूनियन इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हैं, जो कि इन चीज़ों के इलेक्शन कंडक्ट कराती है। अगर क्वेश्चन आता है पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी, इनके इलेक्शन कौन कराता है, तो इनके इलेक्शन कराती है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये भी आपको याद रखना है। अभी फिलहाल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, उनका नाम है सुनील अरोरा, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना है आपको। इसके अलावा ये जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमीशन है, कमिश्नर है, और दो इलेक्शन कमिश्नर है, इन टोटल 3 है। अब ये जो स्ट्रेंथ है इसको 4 करना है या 5 करना है, ये किस पे डिपेंड होता है? ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड होता है। प्रेसिडेंट ही इसको टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, ठीक है। अब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनको अपॉइंट कौन करता है, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है वो देखते हैं। तो इनकी अपॉइंटमेंट जो करता है वो है आपके प्रेसिडेंट। तो ये पी से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझ जाना, ये प्रेसिडेंट है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, मतलब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना कुछ,
तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, यानी कि नोट मेंशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद आगे हमें क्या पढ़ना है, टर्म, यानी कितने साल के लिए इलेक्शन कमिश्नर को बनाया जाता है। तो इसका टर्म है 6 साल, 6 साल या 65 ईयर्स एज, या तो 6 साल हो उसकी पूरे कंप्लीट या वो 65 साल का हो जाए पहले। इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले हो जाएगी तभी वो रिटायर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बंदा 60 की एज में इलेक्शन कमिश्नर बनता है और 65 होते ही उसके 5 साल ही कंप्लीट हुए हैं, पर यहाँ पे 6 साल नहीं हुए पर उसके 65 तो हो गए, तो वो लीव कर देगा, ठीक है, वो रिटायर हो जाएगा, उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई इंसान या कोई बंदा 58 पे ज्वाइन होता है तो 58 से 64 तक उसके 6 साल कंप्लीट होंगे, तो 64 तक अपनी अपने टर्म को चलाएगा। इसके अलावा हमें देखना है सैलरी, तो नेक्स्ट पेज पे सैलरी देखते हैं। जो सैलरी होती है इलेक्शन कमिश्नर की, वो सेम सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी होती है वो होती है 2.5 लाख, ठीक है। उसके अलावा आपको देखना है रिजाइन, ये रिजाइन किसको देते हैं, यानी इलेक्शन कमिश्नर को अगर छोड़ के जाना है अपना पद तो किसको रिजाइन देगा, तो वो देगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ही इसको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट को ही ये रिजाइन देकर जाएंगे। इसके अलावा आपको फंक्शन देखने हैं, फंक्शन मतलब कि इसके क्या क्या काम होते हैं इलेक्शन कमीशन के। तो इलेक्शन कमीशन के काम होते हैं, ये प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर एंड रिवाइज वोटर लिस्ट, यानी वोटर लिस्ट को तैयार करता है, ये जो भी वोटर लिस्ट होती हैं उनको ये तैयार करता है। इसके अलावा ये नोटिफाई करता है डेट और शेड्यूल जो भी इलेक्शन के हैं, मैं लिखता चलता हूँ, डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इलेक्शन, ठीक है। इसके अलावा ये रिकॉग्नाइज करता है, यानी पहचानता है, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कि वो नेशनल पार्टी है या रीजनल पार्टी है, नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी। आपको बस ये रीड कर लेने हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वर्क, बस सिर्फ आपको रीड कर लेने हैं। मेन क्वेश्चन जो आएंगे ये आएंगे, किसको रिजाइन देता है, कौन अपॉइंटमेंट करता है, किस आर्टिकल में है, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये कोड ऑफ कंडक्ट का भी निर्देश देता है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब, एक सेकंड, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट जो कि आचार संहिता होती है, ठीक है। इसके अलावा ये अलॉट करता है इलेक्शन सिंबल, जो भी इलेक्शन होते हैं उनके सिंबल को भी यही अलॉट करता है। इसके अलावा जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो कि लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं, उनके इलेक्शन में कोई भी गड़बड़ी होती है, यानी कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन होती है, उससे रिलेटेड जो मैटर होता है वो भी इलेक्शन कमीशन एडवाइस देता है किसको, प्रेसिडेंट को, यानी इलेक्शन कमीशन ही प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा कि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन में कुछ ना कुछ, मतलब क्वालिफिकेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को बताता है, क्लियर। तो यही कुछ वर्क थे, और इसी तरीके से जैसे ये लेजिस्लेटिव, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का जो डाटा रहता है वो इलेक्शन कमीशन किसको बताता है, प्रेसिडेंट को, इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी स्टेट में भी तो हाउसेज होते हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है डिस्क्वालिफिकेशन की वो भी इलेक्शन कमीशन बताता है, पर वो बताता है डायरेक्ट गवर्नर को, आपको ये भी याद रखना है। तो इलेक्शन कमीशन में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की आपकी वीडियो आती रहेंगी और आई होप इनको देखकर आपका एग्ज़ाम पक्का निकलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनका भी भला होगा। और प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको किस टॉपिक पे आगे इसी तरीके की वीडियो चाहिए, तो हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।